आप सभी लोगों ने बहुत सुंदर कथा को श्रवण किया था। देखिए भागवत जो है मृत्यु को कथा में बाधा पहुंचाने के लिए इन लड़कों के लिए डबल केला का प्रसाद मिल जाएगा तुम लोग को। कथा में बाधा नहीं दिया जाता बेटा, जाने रहिए। जो व्यक्ति कथा में बाधा पहुंचाता है ना, तो हनुमान जी महाराज ऊपर पर खड़े हुए पताका पर बैठे देख रहे हैं कि कौन लड़का हल्ला कर रहा है। उनसे कोई बच नहीं सकता, वो वहां से बैठे हुए खड़े हैं क्योंकि जानते हैं बाबा दुनिया में दुनिया में कोट अनेको है पर चित्रकूट समकोट नहीं। दुनिया में दुख अनेको है पर चकाचूत समकोट नहीं। हनुमान जी महाराज बहुत बड़ा दंड देते हैं, कूट देते हैं, इसलिए बचे रहो। हल्ला गुहार नहीं करना है किसी को, और वहां से अगर वो कूदेंगे तो उनके आगे जानते हैं कितने बड़े बलशाली हैं। क्योंकि एक आप लोग ये भी जानते होंगे कि हनुमान जी एक बंदर है ना, हनुमान जी बंदर नहीं थे। हनुमान जी क्योंकि जिस समय हनुमान जी का जन्म हुआ था, अभी आगे हनुमान जन्म की कथा हम सुनाएंगे आपको, उस समय इनको वानर कहा जा रहा था क्योंकि वन में रहने वाला नर, वन में रहने वाला नर अर्थात जो जंगल में रहते थे उन्हें वानर कहा जाता था। कभी एक प्रजाति थी वहां पर, जैसे कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, तो ये कपि प्रजाति के थे। केवल रावण ने कहा था हनुमान जी को बंदर, तो जो रावण ने हनुमान जी को बंदर कहा तो उसकी क्या गति हुई ये सभी लोग जानते। बोली हनुमान जी महाराज, अरे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिन भी बारंबार, पवन सुत बिन भी बारंबार, पवन सुत बिन भी बारंबार, आशीष दाता दीन दुखी के क्या मैं बनाता।
हनुमान जी महाराज, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, त्रिबंधन के एक पुत्र थे जिनका नाम त्रिशंकु था। ध्यान से सुनिएगा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, महाराजा सूर्य वंश में त्रिशंकु के पुत्र थे राजा हरिश्चंद, और हरिश्चंद और विश्वामित्र उनके लिए एक बार ऐसा समय आया था हरिश्चंद के जमाने में कि विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को श्राप देकर के पक्षी हो गए और लगातार कई वर्षों तक इन्होंने युद्ध किया, लेकिन हरिश्चंद के पास कोई संतान नहीं था। आप लोग कथा को बड़े ध्यान से समझिएगा, महाराज हरिश्चंद के पास कोई पुत्र नहीं था, तो संतों के कहने से, गुरु विश्वामित्र के कहने से, गुरु वशिष्ठ जी के कहने से महाराज हरिश्चंद ने वरुण देवता से मनौती माना कि यदि आपकी कृपा से मुझे पुत्र हो जाए तो उसी बच्चे के द्वारा मैं आपका यजन करूंगा। यजन माने जानते हैं ना महाराज, ना भजन भी नहीं होता। हरिश्चंद्र ने माना कि यदि आप कृपा करिए भगवान, जैसे हम लोग मानते हैं कि ए माता जी, अगर हमारा ये काम हो जाए तो मैं सत्यनारायण व्रत कथा सुनूंगा, लेकिन जब हो जाता है तो भूल जाते हैं। महाराज हरिश्चंद जो है, ए लड़का बैठ जाओ, सामने खड़ा नहीं हो जाता है। तो जब महाराज हरिश्चंद्र ने क्या मनौती किया था, ये देखिए कथाएं जो है हम आपको गुड़ सुनाएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता से ये मांग किया और कहा कि हे प्रभु, अगर मुझे पुत्र मिल जाए तो मैं उसी लड़के से आपका यजन करूंगा। यजन माने होता है बलि देना, जान लीजिए भैया, यजन माने होता है बलि प्रदान करना, बलि दिया जाता था। राजा हरिश्चंद ने भी मान लिया कि अगर मेरे पुत्र हो जाए तो मैं उसी लड़के को आपको बलि दे दूंगा। इतना कठिन वरदान दिया था इन्होंने, लेकिन समय कैसा आया कि भगवान जी की कृपा कर देते हैं, जो इच्छा यदि आप अपने मन में करेंगे परमात्मा जरूर पूरा करेगा। कोई कहता है कि ना श्रीमद् भागवत कथा हमको सुनना है, लेकिन क्या करें महाराज जी, अभी समय नहीं मिल पा रहा है, कभी व्यवस्था नहीं हो पा रही। अरे कोई व्यक्ति बटोर करके नहीं करता है, ऐसे करते करते तो पूरे जीवन बीत जाएगा, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। और क्या भरोसा है कि ये शरीर छूट जाए। महाराज हरिश्चंद्र के जैसे ही एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रोहित रखा गया, और जैसे वो लड़का 10 दिन का ही नहीं हुआ था कि वरुण देवता पहुंच गए। वरुण देवता ने कहा कि ये राजन, जो आपने मनौती माना था, अब आप कृपा करके हमें अपना पुत्र दिलाइए, हमको दे दीजिए। ये बहुत ध्यान की कथा है, सभी जगह कथा नहीं मिलेगा जो कथा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। कभी कभी हम भी नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं कहते, हम भी कहते हैं, कहीं कहीं भूल जाते हैं। वरुण देवता ने कहा राजा हरिश्चंद्र से, आप लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी थे, सही था। चाहे जितना बड़ा वो सत्यवादी हो, चाहे जितना बड़ा धर्मवादी हो, लेकिन जहां अपने पुत्र का संबंध आता है तो कोई राजा मकरध्वज नहीं हो सकता है। महाराज हरिश्चंद्र ने
जब मनौती कर लिया था, वरुण देवता दसवें दिन पहुंच गए, ऐसे कहते हैं कि राजन ए प्रभु, अभी ये आपका यज्ञ पशु जो है इसके मुख में दांत भी नहीं आया है, और जब तक दांत नहीं आया है तब तक इसे रहने दीजिए। कहा ठीक है, चले गए। धीरे धीरे एक महीना बीत गया, दो महीना बीत गया, उस लड़के के दांत भी आ गया। और जैसे उस लड़के के दांत आया तैसे फिर वरुण देवता पहुंच गए, कहा राजन अब आप अपना पुत्र दे दीजिए। कहते हैं कि देखिए अभी आपके लड़के का जो आपका ये जो पशु ये लड़का है, अभी इसका दूध का दांत है, अभी तो क्या बोलते हैं अनाज का नहीं आया है, दूध का दान किस दाने दीजिए, जब अनाज का होगा तब हम आपको देख देंगे। इसके बाद वो चले गए। जब दोबारा फिर दांत गिर गया, अन्न का दांत आ गया, फिर वो पहुंच गए। तब वरुण जी से कहते हैं कि राजन ए महाराज आप सुनिए। कहा क्या ठहरो देवा, अक्षरा तेर ठहरो देवा, तमन्ना यही है अभी तो जी भर करके देखा नहीं है। जब यह लड़का कुछ खाना पानी खाने लगे तब आपसे ले जाइएगा। कहा कि यह लड़का जो है जब कुछ खाने पीने लगेगा तब ले जाना। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद अपने पुत्र के मोह में इधर उधर टालते रहे, जब जब वो आए तब तब टालते रहे। तो जैसे कोई मनौती होती है तो लोग कहते हैं कि महाराज असो साल नहीं भागवत अगले शाम सुन लीजिए, फिर कहते हैं इस साल नहीं क्या करी मौका नहीं मिला अगले साल सुन। तो वही साधु राम वाली बनिया की कथा होगी कि चलो ऐसा है कि अभी जो है लड़की पैदा हुई है, बरही छठी में खर्च होगा, विवाह होगा तब करेंगे, विवाह होता है तो कहते हैं लड़कों ब्याह में पैसा खर्च भा, तो फिर कथा अगले जन्म में कर देंगे जब लौटेंगे व्यापार में। तो भगवान जानते हैं जब आप भगवान को मूर्ख बनाना शुरू कर दोगे तो जब भगवान मूर्ख बनाना शुरू करेंगे तो तुम्हारी सारी जीवन जो है मिट जाएगी। भगवान वरुण देवता ने राजा हरिश्चंद को जो है श्राप दे दिया। कहा ए राजा हरिश्चंद, तू पुत्र प्रेम के पाले में पड़कर बारंबार जो है मुझे परेशान कर रहा है, तो इसलिए जा, तुझे जलोदर नाम का रोग हो जाए। अब तो राजा हरिश्चंद्र के पेट में जल बढ़ने लगा और इधर रोहित को जब पता चला कि मेरे पिताजी मुझे मार डालना चाहते हैं, बलिदान देना चाहते हैं, तब वो यहां से जो है अपने प्राणों की रक्षा के लिए वन को भाग गया, जंगल को चला गया राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित। देखिए कहते हैं प्रभु देवता आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके सत्य का आपके ईमान का परीक्षा लेते हैं। जब ये वन को भाग गया तो जाकर के गुरु वशिष्ठ जी के पास जब गया तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि रोहित तुम गलत कर रहे हो। कहा क्या फिर? कहा पुत्र का पहला कर्तव्य है कि वो अपने पिता को नरक जाने से बचा ले,
तुम्हारे पिता ने वादा किया था, लेकिन आज वो तुम्हारा पिता अपने पुत्र प्रेम के लिए जो है वादा को भूल रहा, मृत्यु के अवस्था में वो पड़ा हुआ है। इसलिए कोई ऐसा उपाय करो और तुम जाओ और जाकर के वरुण देवता के चरणों में गिर जाओ कि मैं आपके सामने हाजिर हूँ, तो देवता कोई अहित नहीं करेंगे, तुम जाओ, मुझे विश्वास है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब जाकर के रोहित ने जब वरुण देवता से निवेदन किया कि प्रभु आपका ये यज्ञ पशु तैयार है, आप इसे चाहें तो आप इसे बलि दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपके शरण में आ चुका हूँ। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए प्राणों की आहुति देने के लिए मेरे पास आए हो, इसलिए तुम यहाँ से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम चले जाओ। तुमने मुझे दिया और मैंने ग्रहण किया, आज से तुम मेरे द्वारा फ्री कर दिए गए और जाओ, तुम्हारे पिता भी रोग से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे होते हैं भगवान, ऐसे होते हैं ईश्वर की कृपा। बड़े दयालु हैं हमारे कन्हैया, लेकिन प्रेम करके तो कोई देखे, लेकिन यहाँ तो केवल हम लोग जो है चक्कर में फंसे हुए हैं, माया की माया हमको नचा रही है, फिर हम वंचित हो जा रहे हैं। उन्हीं रोहित का पुत्र था जिनका नाम हरित था, रोहित का लड़का था हरित, हरित से चंप हुआ, जिन्होंने चंपापुरी नामक नगर बसाया। चंपक का जो है पुत्र हुआ सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ, विजय का पुत्र हुए भरूक, भरूक का पुत्र ब्रिक और ब्रिक का पुत्र हुआ राजा पाहुक। शत्रुओं ने जो है पाहुक से राज्य छीन लिया, जब पाहुक राजा थे तो उनके यहाँ आक्रमण कर लिया गया और शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया। तब राजा बाहुक अपने पत्नी के साथ वन में गए और वन में जाने पर समय जब आया तो बुढ़ापे के कारण राजा बाहुक की मृत्यु हो गई। पत्नी भी उनके साथ सती होने के लिए तैयार थी, उसी समय
महर्षि औरों को ये बात मालूम था कि इनकी पत्नी जो है गर्भ अवस्था में है, तो गर्भवती स्त्री की रक्षा करना पहला कर्तव्य होता है। भैया की सब लड़के किधर उधर ना दौड़ो, नहीं तो ये लड़के परलय मचा दी है, कलहे वाली हाल हुई। कल वाला जैसे कथा में इतनी बाधा ये लड़के किए थे कि दुनिया वाले देखते होंगे कथा बड़ी दूर तक ये चलती है। आप ये जानते हैं कि यहाँ कथा हो रही है और ये कथा हो सकता है बहुत दूर तक के लोग देख रहे हो अपने घर से बैठकर, तो लाइव देख रहे हो तो यही कहेंगे कि ये लड़के बड़े दुष्ट हैं। तो अपना क्यों बेइज्जती करते हो तुम लोग, तुम लोग बड़े अच्छे लड़के हो। जब महर्षि औरों को ये बात पता चला कि जो है राजा बाहु की पत्नी गर्भवती है, तो उन्होंने रोक दिया, कहा कि तुम गर्भवती हो इसलिए सती होना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, सती होने से रोक दिया। तो ये क्या करें, अब जंगल में कोई नहीं, पति भी मर गए थे, तो ये लौट करके अपने घर आई। राजा बाहु की पत्नी जब घर आई तो सवत बड़ी खतरनाक होती है, जान लीजिए। संसार में सबसे ज्यादा खतरनाक जो होती है वो सवत होती है। सवत बड़ी खतरनाक, इसको कहा अरे कहा नहीं इसका सवत होगा मार, तो सवत बहुत खतरनाक होती महाराज। हाँ, तो सवत करने की बात जब हुई तो सौतों ने जो है सोचा कि जो पहली पत्नी है इनके जो है पेट में बच्चा है, माता जी बाद में चढ़ा दीजिएगा, तो पहले चढ़ा दीजिएगा, तो ठीक है जगह है। तो जय श्री कृष्ण महर्षि सौतों ने जब देखा, सौतों ने सुना कि ये गर्भवती हैं, तो भोजन में कहा कि कुछ उपाय किया जाए नहीं तो धन का बंटवारा हो जाएगा। महाराज आप लोग समझिए, क्योंकि इधर नाच मंडली है, क्योंकि सारा संसार अलग होता है। जान लीजिए कि जब सौतों को पता हो गया कि ये गर्भवती हैं, तो कहा कि कोनो उपाय किया जाए कि इनके लड़का पेटोए मर जात तो जन्म नहीं होता, तो फिर हमारा धन का बंटवारा नहीं होता। तो महर्ष उस समय भोजन में जहर मिला दिया गया, भोजन माने जहर होता है, क्योंकि लिखा गया भैया बाबा जी ने लिख रहे मानस में कि करली सुधारी पुकार जहर मिला दिया। और जब ये पी गई तो जहर को जब पी लिया, लेकिन कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम कया होई, कोई सीता राम।
कृपा कर दिया, लेकिन वो जहर भी उस गर्भ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई जहर का कोई असर नहीं पड़ता है उस गर्भ के ऊपर, क्योंकि भगवान ने जो है कितना कृपा, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है जहर क्या कर सकता है, जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और गर्भ के साथ पैदा होने यानी जहर के साथ पैदा होने के कारण जो बच्चा पैदा हुआ वो आगे चल करके महाराज सगर के नाम से विख्यात हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान, वही लड़का आगे चल करके राजा सगर के नाम से विख्यात हुआ। सगर जो है चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोद करके समुद्र बनाया था, यहां तक के सगर की जो दूसरी पत्नी थी जिनका नाम केसरी था, केसरी के गर्भ से असमंजस पैदा हुए हैं। एक बार महाराज सगर जो है अपने यहां अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेघ यज्ञ में नीचे बैठ जाओ, दौड़ो मत, एक चीज याद रखो, जो लड़के आप दौड़ रहे हैं लास्ट में इनका नाम तो चिन्हित होगा ऊपर, इन लड़कों को प्रसाद आज मत दीजिएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, और इसी पर भी ना माने तो एक लोटा फिर पानी रखे रहो, इनका नोखा दो ऊपर से मुझे शांत हो जाए, पनिया रखे रहो, ये रखा है चुप में बैठा रही है, अब रही है, चलो ठीक है अब रही है तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ भैया आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राजा सगर के जो पुत्र हुए, जब राजा सगर ने अपने यहां अश्वमेघ यज्ञ किया, उस अश्वमेघ का जो घोड़ा छोड़ा गया तो उसे जो है देवराज इंद्र ने चुरा करके और जाकर के गंगा सागर में कपिल भगवान के आश्रम पर बांध दिया। कपिल भगवान के आश्रम पर जब बांध दिया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जिनके द्वारा 21 मुद्राएं भगवत सेवा में प्राप्त हुई, व्यासपीठ से आशीर्वाद थोड़ा था। किसरियों के उत्तर तट पे बहती है सरजू की धारा, बहती है आशीर्वाद। ऐसा शुभ समय था कि जब ले जाकर के वहां उस बालक को बांध दिया गया, जो है घोड़े को बांध दिया कपिल भगवान के आश्रम पर, तो जब घोड़ा लौट करके वापस नहीं आया तो उन्हें यहां से भेजा गया, अपने लड़कों को राजा सगर ने भेजा कि जाओ देखो कहां है। 60,000 लड़के थे, जान लीजिए हम लोगों के पास एक दो लड़के हैं तो इतना बड़ा गुमान है कि हमारे 4 लड़के हैं लाठी चोरिया, और जिनके 60,000 लड़के हो उनको क्या कहना है, लेकिन जान लीजिए वो 60,000 लड़के भी जो है बेकार होते हैं। माता जी के द्वारा भगवत सेवा में प्राप्त हो रहा 10-20 से आशीर्वाद। राजा जब सगर की बात आई, सगर के 60,000 पुत्र जो है चल दिए घोड़े को खोजने के लिए, और घोड़े को खोज रहे थे नहीं मिला, कहीं भी घोड़ा दिखाई नहीं पड़ा,
तो उन लोगों ने पृथ्वी को ही खोद डाला। अरे जैसे आपके पास दो ही लड़के हो तो एक विश्वा खेत बोड़े में कतरा टाइम लगी, दो तीन लड़के हो तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर 60,000 लड़के यहाँ खड़ा कर दिन जाए तो समुद्र को ही खोद डाला, पृथ्वी को खोद डाला तो समुद्र निकला। फिर भी घोड़ा दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन ये खोते खोते जब गंगा सागर में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि घोड़ा जो है कपिल भगवान के आश्रम पर बंधा हुआ है। तो जान लीजिए संतों को कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए, ब्राह्मणों की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए, शास्त्र कहता है। कपिल भगवान के आश्रम पर गए तो ये लड़कों ने क्या कहा जानते हैं, कहा यह देखो ये साधु वेश बनाए पेरी पहरे, ये ढोंग किया बैठा है आंख मूंदे, और इतना बड़ा चोर हम कहूं देखा नहीं, हमारे घोड़ा चढ़ाए ही ओकरे बाद में अखिया मूंदे बैठा है, देखो कतरा बड़ा ढोंग किया है साधु के, अरे ढोंग किया है बैठा पेरी पहरे यार। हाँ कहा हमने बताओ इतना बड़ा भयंकर चोर, जितने 7,000 लड़के हैं उसके बाद में उनका हिम्मत देखो, और जब हमारे लोग आवत देखे तो अखिया मूंद के बैठ ही गए हैं, कि कहो पकड़ा ना जाए। बारंबार जब ऐसे बातों को कहा, देखिए संत का जो हृदय होता है वो तो मक्खन के समान कोमल होता है, क्योंकि बाबा जी ने लिखा है ये साधु नहीं। जान लीजिए अब एक बात बता रहे हैं, जो ये गांव गांव पेरी पहरे घूमत हैं साधु, ये दो दो रुपया के यहाँ खाई पे यहाँ लड़ाई कर लेते हैं, मार कर लेते हैं, झगड़ा करते हैं, ये साधु की बात हम नहीं कहते हैं, ये पेरी पहरे हैं केवल, दक्षिणा पाओ तो तरपी है और उतरे मार के लिए झगड़ा हो जाए। साधुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जान लीजिए साधु पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीता जी ने साधु पर विश्वास किया था तो उनका हरण हुआ था, कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। संत पर विश्वास करिए आप, जिसको सभी संसार से संत हो जाए, जिसको किसी मोह माया से विरक्त हो जाए। अब ये तो बेचारे भोजन के लिए परत है, कहा था ये घंटा देर होगा झगड़ा होगा, तो जो भोजन के लिए मरता हो साधु थोड़े है। संत की परिभाषा बाबा जी ने लिखा है संत हृदय नीत समाना संत हृदय नीत समान, जैसे मक्खन नवनीत माने मक्खन होता है, जैसे मक्खन कोमल होता है उसी प्रकार संत का हृदय होता है। कहा देखो इनका हृदय तो कोमल होना चाहिए, लेकिन ये भयंकर चोर है जो बैठा हुआ है आंख मूंदी हुई। कपिल भगवान कुछ बोलते भी नहीं है, आंख को खोला और जैसे ही उन आंख को खोला तो उनके आंखों से ऐसी ज्वाला निकली कि राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं पर धू धू करके जल करके राख हो जाते हैं। संतों का कभी भी अपमान मत करना, क्योंकि संत को क्या करोगे आप, हम बता रहे हैं आपको, अरे संतन की करना चौकाई, संतन की करना चौकाई, उनके मन में बस यदुलाई, अरे करो अपना उद्धार अमृत बरसे Thank you.
लड़कों को इधर खसका दो, क्योंकि ये हम जानते हैं। थोड़ा इधर आ जाओ भैया, थोड़ी बात सब लोग इधर बैठो, बहुत जगह खाली है। इधर मुंह करके बैठो, हमको देखो इधर से सामने से। आप लोग इधर बैठिए, अलग करके आइए। राम कथा में आगे आना चाहिए, पीछे नहीं बैठना चाहिए, आगे आओ। हाँ वैसा है प्रसाद जाएगा। आप सभी लोग बैठ जाए बड़े प्रेम के साथ। देखिए जैसा है, आप लोग और आगे आ जाइए। सभी लोग जो माता है पहले पीछे बैठ रही हैं, राम कथा में आगे आओ। बस बस आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद, सभी माताओं को आशीर्वाद। महाराज अमीर अपने पास रखा जाए, मैं अभी अपने पास रखती तो ठीक रहा, यहाँ से गायब होगा तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि कन्हैया भी चोर है। सब महाराज पाई है, इसको मत छूना, मोबाइल को ना लाइव चल रहा है। अपना लाइव लागे तुम्हें। अच्छा ठीक है, तो बढ़िया है, तो हम तो हमारे लिए आया है तो ठीक है, और बढ़िया है। सभी माता है, देखिए व्यासपीठ से सभी को। महाराज तुम ना बोलते, कहा था मुझे हराए जाए भगवान, फिर से हराए जाए तो बढ़िया रही, क्योंकि भगवान चोर हम भी चोर, क्योंकि चोरी करना उनका काम है, चोरी कर लेंगे वो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कुर्सी को हटा दो भैया, ये कुर्सी हटाओ, कुर्सी हटा दीजिए। आप लोग अलग कर बैठिए, पीछे नहीं मजा आता। सम्मुख हो जीव मोय जब ही जन्म कोट अगना सहित भी। जब जीवात्मा आगे होता है तो उसके पाप को नष्ट होता है, भगवान कहते हैं, मैं नहीं कहता, भगवान कहते हैं। आप सभी लोग बैठ जाए। जब महाराज सगर के 60,000 पुत्र मर गए तो बाबा जी चरणों में गिर गए। सभी लोगों ने कि जब ये तो जलकर राख हो गए। राजा सगर की जो दूसरी पत्नी थी जिनका नाम केशनी था, केशनी के पुत्र असमंजस थे, असमंजस के पुत्र थे राजा अंशुमान, वो भी अपने दादा सगर की आज्ञा का पालन करने लगा, उन्हीं के सेवा में रहता था। क्योंकि असमंजस जो थे ये पहले जन्म में एक योगी पुरुष थे, लेकिन थोड़ा सा कर्म बिगड़ जाने के बाद वो पुनः इस पृथ्वी लोक पर वापस उन्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। योगी थे, एकदम योगी पुरुष थे, लेकिन असमंजस यहां तक के आप लोग जान लीजिए कि असमंजस जो थे संग के कारण वे अपने मार्ग से विचलित हो गए थे, और वे इतना निंदित कर्म करते थे कि खेलते हुए बच्चों को जो है सरजू नदी में फेंक देते थे। ये असमंजस का काम था, क्योंकि संगत के कारण ये ऐसा प्रभाव हो गया था। यहां तक के अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक जो है लौट करके नहीं आ रहे हैं, तब राजा सगर को भी पश्चाताप हुआ कि क्या कारण हुआ कि हमारे 60,000 पुत्र वापस नहीं आए। तो भेजा असमंजस अंशुमान को भेजा कि जाओ और देखो कि जो है वहां क्या कारण है कि हमारे बच्चे वापस नहीं आए। और जब अंशुमान जी गए तो वहां पहुंच गए गंगा सागर में, तो देखते हैं कि जो है राख लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। तो हम इनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कपिल भगवान के चरणों में कि बाबा ये क्या है। तो कपिल भगवान ने बताया कि ये आपके जो है वंशज हैं, ये 60,000 पुत्र जो है यहीं पर जल करके राख हो गए हैं। तो कहा कोई उपाय, कहा यही एक उपाय है,
कि गंगा जी चाहे तो तुम्हें मुक्ति कर सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति गंगा जी में स्नान करता है वह पवित्र होता है, जो व्यक्ति गंगा जी को पीता है, गंगा जी के जल को पीना चाहिए। हमने भी पिया था, लेकिन रास्ते में चल रहे थे, मैं कूदी छेद हम गंगा पी ली। मरते समय पीने से कोई लाभ नहीं, जिंदे पर पियो गंगा जी को। गंगा जी को जो पीता है उसे मुक्ति होता है, और जिस बर्तन में गंगा जी रखी जाती है वह बर्तन पवित्र हो जाता है, और जिस घर में गंगा जी रखी जाती है वह घर पवित्र हो जाता है। कहा गंगा ही एक ऐसी है जो तार देंगी, इसलिए कोई उपाय करो। अंशमान भी चले गए गंगा जी की खोज में, लेकिन अंशमान ने जब वहां गए उन्होंने भी कठिन तपस्या किया, लेकिन फिर भी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में असमर्थ हो गए। समय आया, अंशमान भी मर गए। अंशमान के पुत्र थे महाराज दिलीप, दिलीप ने भी वैसे ही तपस्या किया, लेकिन पृथ्वी पर वो भी लाने में असफल रहे। दिलीप के जो है पुत्र थे जिनका नाम महाराज भागीरथ था। जब राजा भागीरथ तपस्या करने के लिए निकले कि मैं लाऊंगा गंगा जी को पृथ्वी पर, तो जब ये गंगा जी से गए निवेदन किया, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, गंगा जी प्रकट हुई और गंगा जी ने कहा कि ए भागीरथ को आपि धरियताम वेगम पतन्तया मे महीतले अन्यथा भूतलं धृत्वा निर्प्रयासे रसातलम। कहा जिस समय मैं पृथ्वी पर उतरूं उस समय कोई मुझे जो है वेग को रोकने वाला हो, अन्यथा मैं पृथ्वी को फोर करके जो है रसातल को चली जाऊंगी। विचार करने लगे, भागीरथ ने कहा कि अब मिट गया। इसी प्रकार गंगा मैया तैयार भी हुई, लेकिन फिर भी जो है बड़ा दिक्कत हो रहा, अब क्या होगा, कौन रोकेगा इनके वेग को। तो चले गए कहां, भगवान शिव से निवेदन करने लगे, भगवान कर पूरी गोरम करुणा लेके भगवान शिव आस तोष तुम अव घर दानी को दूर करिए प्रभु। भगवान शिव की कृपा हुई, भगवान शिव ने महाराज भागीरथ से पूछा कि कहिए क्या प्रायोजन है तुम्हारे यहाँ आने का। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं गंगा मैया पृथ्वी पर आना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि कोई मेरे वेग को रोक ले।
अब मैं रोकूंगा। ए गंगा, जितना भी तुम्हारे अंदर वेग हो तुम वहां से आओ, मैं आपको इस वेग को इस पृथ्वी पर रोक लूंगा। छोड़ा कुछ, अपने जटा को फैलाया। ए जोगी जटा यपारा, ए जोगी जटा यपारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा में। ए जोगी अगम अपारा, ये जोगी अगम अपारा, सर ऊपर गंग की धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा, बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा। माता जी के द्वारा बीस मुद्राएं, सभी भक्तों के द्वारा माँ गंगा जी के इस पावन उत्पत्ति पर विश्व मुद्राएं प्रदान हो रही, सभी को माँ गंगा कल्याण करें। व्यासपीठ से सभी को एक साथ में आशीर्वाद। अजर अमर गुण निध सुत हो, जिन माताओं ने व्यासपीठ को अपनी दया दिखाई दिया है, आपने जो व्यासपीठ से माताओं के लिए आशीर्वाद, जो माँ कौशल्या ने सीता जी को आशीर्वाद दिया था। अचल रहे यही बात तुम्हारा, जब लग गंग जमुना में धारा, जब तक गंग गंगा जी से भगवान शिव ने कहा, ए गंगा तुम जितने भी वेग से आना चाहो आओ। और जैसे ही गंगा जी वहां से गिरी, तैसे भगवान शिव ने अपने जटा में उनको बांध लिया, जटा में बांध लिया। लोग कहते हैं कि कब बांधा, आप जाने रहिएगा कि गंगा दशहरा जो जेठ महीने में होता है शुक्ल पक्ष दशमी को, उस दिन गंगा मैया स्वर्ग से पृथ्वी पर नहीं आई थी, स्वर्ग से भगवान शिव के जटा में समाहित हो गई। फिर भगवान शिव की कृपा किया, भगवान शिव से कहने लगी, नाथ ये बताओ, आप मुझको कहते हैं कि पृथ्वी पर चले जाओ, लेकिन पृथ्वी के लोग जो होंगे अपने पाप को मुझ में धोएंगे, इसलिए मैं पृथ्वी पर जाना नहीं चाहती हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, गंगा मैया से भगवान शिव ने कहा कि ए गंगा, जिन लोगों ने संसार मोह नर नारी पुरुष सभी से जिन्होंने विरक्ति ले लिया है, बस वही नीचे से पांव पा लेना, नहीं तो गिर जाएगा, लाइव चल रहा है ना। तो जिन लोगों ने संसार से मोह माया से जिन्होंने विरक्ति ले लिया है, जब वो तुम्हें स्नान करेंगे तो सभी पाप वो ग्रहण कर लेंगे, तुम्हारी सभी पाप दूर हो जाएगा, इसलिए जाओ। गंगा मैया गोमुख से यानी भगवान शिव के जटा से निकलकर गोमुख से हरिद्वार ऋषिकेश
होते हुए उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में प्रवेश करते हुए कानपुर, बनारस, इलाहाबाद समस्त तीर्थों को करती हुई पावन पवित्र गो करती हुई अंत में जाकर के कपिल भगवान के आश्रम गंगा सागर में प्रवेश करती हैं और वहीं पर गंगा जी समुद्र में मिल जाती हैं। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए कपिल भगवान की। इसलिए जो लोग कहीं भी तीर्थनाथ जा सके एक बार गंगा सागर की खिचड़ी जरूर खाएं और गंगा सागर में जरूर दर्शन करने के लिए जाएं। बोलिए गंगा मैया की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भागवती भगवान की। उन्हीं के वंशावली में महाराज जो है भागीरथ की कथा आपने सुना, उन्हीं के वंशावलियों में आगे चलकर जो है उन्हीं में महाराज रघु होंगे, महाराज दिलीप होंगे, अज होंगे, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। एक चीज आप सभी लोग जान लीजिएगा कि रामा अवतार में सूर्य वंश में जितने भी जन्म हुए हैं वो सब यज्ञ से ही हुए हैं। बिना यज्ञ के सूर्य वंश में कोई जन्म नहीं हुआ है। और कृष्ण वंश में, चंद्र वंश में यानी कृष्ण वंशावली में बिना युद्ध के कोई विवाह नहीं हुआ है। दोनों में, सूर्य वंश में जितने भी पैदा हुए सब यज्ञ से पैदा हुए, और कृष्ण के वंशावली में चंद्र वंश में जितने भी राजाओं का विवाह हुआ भगवान श्री कृष्ण से लेकर, और जितने भी हुए यहाँ तक के महाभारत में आप जब है विष्णु पर्व हरिवंश महापुराण की कथा सुनेंगे तो इनमें पूरी विवाहों की कथा लिखी है और सब में मार धार जरूर हुआ है। बिना युद्ध के कोई विवाह नहीं हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस वंशावली में जो है तुम जाओगे वो कथा आगे होगी। सूर्य वंश में महाराज अज थे जो थे वो गाय की सेवा करते थे और गौ माता की सेवा करते थे, गौ का पालन करते थे। एक दिन ऐसा समय आया कि गौ माता ये भगवान ही परीक्षा ले रहे थे। हमने बताया कि परीक्षा उसी की होती है जो लायक होता है, और जो नालायक होता है उसकी कोई परीक्षा नहीं होती है। महाराज अज को क्या परीक्षा हुआ कि ये पृथ्वी गाय बनी हुई है और जो है वरुण देवता जो है बाघ बने हुए खड़े हैं। राजा अज से कहा कि ए राजन, गाय गाँव में गई माता ने जानते हैं क्या कहा महाराज से, राजन आप मेरे राजा हैं और मेरे प्राण को इस समय संकट आ गया है, ये बाघ मुझे खा जाना चाहता है, इसलिए मुझे बचाओ। कहा कि ठीक है, किसी के प्राण की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। बाघ कहता है कि ये राजन ये मेरी आहार है और राजा का कर्तव्य है कि उसके यहाँ कोई भूखा ना रहे, तो आप मेरे आहार को मत छोड़िए। राजा धर्म में पड़ गए। राजा ने कहा कि ए बाघ, तू मेरी गौ मैया को छोड़ दे, तू मुझे खा लीजिए, तेरा आहार जो है मांस है तो मुझे खा ले। ऐसे सूर्य वंश है कि जो गौ माता के लिए जिन्होंने जो सूर्य वंश में अपने प्राणों को भी दान देना चाहते हैं, ऐसी सूर्य वंशावली है। महाराज अज के पुत्र हुए राजा दशरथ, और राजा दशरथ की जो है तीन नारियां, और तीनों नारियों में आपस में जो है परस्पर प्रेम है।
तीनों नारियां जो हैं उनमें जो है आपस में प्रेम है। कौशल्या नार प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। तीन नारियां हैं और तीन नारियों में आपस में क्या है प्रेम है। और जहां प्रेम होता है जान लीजिए भैया और महाराज असत है क्या। लोग जो हैं कोई कहता है कि मैं लाठी चलाने में धुरंधर हूं, कोई कहता है हम मारपीट में धुरंधर, कोई कहता है हम लाठी चलाने में धुरंधर, कोई कहता है कि हम गारिन धुरंधर, कोई कहता है हम झगड़ा करने में धुरंधर। लेकिन महाराज कौन दशरथ कैसे धुरंधर है जान लीजिए भैया। कि धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी विराजमान है। लेकिन उनको भी एक बार चिंता हो गया। बाबा जी ने लिखा कि एक बार भूपते मन माही भय गलानी मोरे सुतनाई क्या कारण है कि जिनका पूरा जीवन बीत गया, चौथा चरण आ गया, चौथा पन आ गया, उनको पुत्र की कभी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अंत में क्या कारण हुआ जिस कारण से उन्हें आवश्यकता हो जाती है। क्योंकि महाराज दशरथ जो है देवराज इंद्र के परम मित्र हैं। ऐसा है माताएं आप लोग थोड़ा बातें मत करें, अगर बोलना है तो हमारे साथ बोलो है। और प्रेम से हरि का नाम बोलो राधे राधे, प्रेम से हरि का नाम बोलो राधे राधे, हर गली में वृंदावन में चौपायों में गोपायों में राधे शरिकार
जा रहे हैं। आपके ही हृदय में ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़ा।